माह रमजान के आखिरी जुमा पर मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी गई जुम्मतुल विदा की नमाज शहर भर के सभी छोटी बड़ी मस्जिदों के साथ चौक जामा मस्जिद, चकशिया जामा मस्जिद, रोशनबाग के शाह वसीउल्लाह मस्जिद में अहले इस्लाम के बाशिंदों ने बारगाह खुदाबंदी में जुम्मतुल विदा की खास नमाज में बारगाह इलाही में सजदा कर पेश इमाम की पीछे खड़े होकर नमाज अदा की। चौक की जामा मस्जिद में न्यायालय व शासन प्रशासन की गाइडलाइन पर अमल करते हुए इमाम रईस अख्तर हबीबी की कयादत में मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में ही जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई। वहीं शाह वसीउल्लाह की मस्जिद रोशनबाग में पेश इमाम मौलाना अहमद मकीन की कयादत में सैकड़ों लोगों ने एक सफ में सजदा ए परवरदिगार अंजाम दिया। चकशिया जामा मस्जिद में भी इस बार सड़क पर नमाज नहीं हुई। शिया जामा मस्जिद के इंतजामकारों व मुतवल्ली ने पहले ही कौमी मिलत को संदेश भेजकर सड़क पर नमाज नहीं होने के हालात से आगाह कर दिया था। शिया जामा मस्जिद के पेश इमाम हसन रजा अली ने 11:59 पर अजान के बाद खुतबे में माह रमजान और जुम्मतुल विदा की फजीलत बयान की। 1 घंटा चले खुतबे के बाद लगभग 1 बजे जमात खड़ी हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने बाजमात नमाज पढ़ी। मस्जिद खदीजा करहली में मौलाना सैयद रजी हैदर की कयादत में जुम्मतुल विदा की नमाज अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। मौलाना ने लगभग 1 घंटा उसूले दीन फुरूए दीन सहित तमाम मजहबी अकामात का अपने खुतबे में जिक्र किया। मस्जिद खदीजा के मुतवल्ली हसन आमिर ने चचामा मस्जिद में सड़क पर नमाज न होने की दशा में मस्जिद खदीजा में मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में कालीन के फर्श और जानमाज के अलावा मस्जिद के खुले हिस्से में टेंट लगवा कर दरी फर्श जानमाज के साथ सिजदेगाह का भी अलग से एहतमाम कर रखा था ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दायरा शाह अजमल की खानकाह मस्जिद में पेश इमाम शमशेर आजम की इमामत में नमाज जुम्मतुल विदा अदा की गई। उम्मुल बनीन सोसाइटी के महासचिव सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार कहली, कलालाबाग, अकबरपुर, रसूलपुर, अताला, बैदनटोला, दरियाबाद, हसन मंजिल, समदाबाद, रानी मंडी, बख्शी बाजार, दायरा शाह अजमल, सब्जी मंडी, बरनतला, शाह नूर अली गनस, बादशाही मंडी, कटरा, राजापुर, धोबी घाट, सिविल लाइन्स, पांचों पीर मजार, बहादुर गनस, बड़ा बुद्धा ताजिया, कौमभटिया, अहमद गनस, नैनी, चकदोंदी, चिकवन टोला, निभाजपुर, काटजू रोड आदि जगहों पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक जुम्मतुल विदा की नमाज अदा कराई गई। शिया समुदाय की शहर की 2 मस्जिदों के अलावा जमुना पार के दादूपुर शहर, पश्चिमी के प्रीतम नगर, सैदपुर, बिसौना तथा गंगा पार के फूलपुर, सेवित, कुराली में पेश इमामों के साथ बड़ी संख्या में रोजादारों ने बाजमात नमाज अदा की। मस्जिदों में देश में अमन चैन, रोजी व रोजगार में बरकत, बीमारी से शिफायाबी, हर बलाओं से महफूज रखने और हलाल कमाई में इजाफा के साथ निक अमल और बेहतरीन किरदार अमले की बारगाह रब्बुल इज्जत में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। क़िबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की आज़ादी को बाहों पर काली पट्टी बांध कर नमाजियों ने किया एहतजाज। मस्जिद खदीजा करहली व चचामा मस्जिद में विश्वामित्र कुद्दस दिवस के अवसर पर नमाजियों ने बाहों पर काली पट्टी बांध कर इसराइल की बर्बरता अमेरिका की दादागिरी और क़िबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की आज़ादी की आवाज़ बुलंद करते हुए एहतजाज किया और इसराइल व अमेरिका मुर्दाबाद का नारा बुलंद किया। खबर जगत के लिए एलेन सिंह की। जुम्मतुल विदा है, माह रमजान का आखिरी जुमा है और यहाँ पे चक जामा मस्जिद और ये मस्जिद खदीजा करहली है। यहाँ पे नमाज जुमा इमाम जुमा जो यहाँ के हैं मौलाना रजी हैदर साहब उनकी क़यादत में जो है अदा किया जा रहा है और जुमे के साथ साथ यहाँ पे आज जो विरोध हो रहा है वो बैतुल मुकद्दस को लेकर है। जो क़िबला अव्वल था बैतुल मुकद्दस उस पर वहाँ पे कब्ज़ा हो गया है उसको इसराइल का, उसकी आज़ादी के लिए यहाँ पे हर साल यौम कुद्स के रूप में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में ये विश्व जो है कुद्स दिवस है इसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका विरोध होता है जो बैतुल मुकद्दस उसको आज़ाद कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और आज हम लोग यहाँ पे काली पट्टी बांध कर लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये मांग की है कि इसको जो है आज़ाद कराने की पहल करें। अपना परिचय सैयद मोहम्मद अस्करी।